दोस्तों, क्या दरख्त वाकई गुनगुनाते हैं? और दुनिया के एक ऐसा अजूबा जहां पे ताली बजाने से चिड़िया की आवाज आती है, और चंद कुत्तों ने कैसे 90,000 लोगों की जान बचाई? अगर आप नहीं जानते तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आपके साथ इसी तरह के और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करूंगा। मेरा नाम है मोहसिन, आप देख रहे हैं Fact 23। तो चलिए दोस्तों, फिर कुछ नया सीखते हैं। Fact 13, रोने के बाद इंसान को अच्छा फील होता है ना? तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह यह है कि जो रोने वाला आंसू होता है, एक्चुअल में वो एक पेन किलर होता है। उसमें नेचुरली एक पेन किलर होता है जिसे लियोसिन्स एनकेफेलन कहते हैं, और यही रीजन है कि रोने के बाद इंसान का दुख कम हो जाता है और वो बेहतर महसूस करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी की डेथ होती है तो जो उससे ज्यादा अटैच होता है उसे बोला जाता है कि रो ले ताकि दिल का बोझ हल्का हो जाए। तो यही रीजन होती है। Fact 12, इस इमेज को देखिए। लगता नहीं है कि ये इमेज हमारी सोसाइटी के बहुत सारे जहीन अफराद को जाहिर करती है? जी हाँ, ये इमेज इस बात को जाहिर करती है कि जब भी आप किसी से बात करें तो आपकी जुबान और आपके दिमाग का आपस में लिंक होना बहुत जरूरी है, और अगर आपके दिमाग और जुबान का लिंक आपस में नहीं होगा तो आपके इस मुआशरे में एक महज़ब इंसान कहलाना थोड़ा मुश्किल हो शायद। इसलिए अपनी जुबान को अपने दिमाग के साथ लाजमी कनेक्ट करें, वरना बात कहती है मुझे मुँह से निकालो और मैं तुम्हें शहर से निकलवाऊंगी। अंडरस्टैंड? Fact 11, इस तस्वीर को ध्यान से देख लो, क्योंकि इसके बाद आपको ये तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी। और दुख की बात यह है कि ये उसकी लास्ट पिक्चर है और वो मर रहा है। जितने भी मेल व्हाइट राइनोज इस दुनिया में पाए जाते हैं उनमें से ये आखिरी बचा था, और उस फोटो के कुछ देर बाद वो भी मर गया। और आप लोगों को ये दोबारा कभी भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये अपनी जात का आखिरी मेल राइनो था। इसलिए इस इमेज को मोस्ट पावरफुल इमेज इन द वर्ल्ड भी माना जाता है। उसकी रीजन क्या है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। Fact 10, डिप्रेशन के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि डिप्रेशन के दौरान जितने भी लोग खुदकुशी करते हैं उनमें से 40-50% वो लोग होते हैं जिन्हें किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती और ना ही कोई डर होता है, लेकिन वो सिर्फ डिप्रेशन को सफर कर रहे होते हैं इसलिए वो सुसाइड कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो लोगों को सुसाइड से प्रिवेंट के लिए डिप्रेशन पे फोकस करना चाहिए। क्या इसकी रीजन क्या है और मैक्सिमम इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, फिर उसके मुताबिक नेक्स्ट स्टेप लें। एग्जैक्टली मैंने भी यही टेक्टिक्स अपनाई थी जब मैं डिप्रेशन को सफर कर रहा था, और बिग थैंक्स टू सीम भाई एंड खालिद भाई जिन्होंने मुझे डिप्रेशन से रिकवर करने में हेल्प किया। और ये डिप्रेशन सच में बहुत बुरी बीमारी है। अगर आपको ऐसा फील हो तो प्लीज किसी अच्छे कंसल्टेंट से अपना इलाज करवाइए। Fact 9, वैसे क्या दरख्त गा सकते हैं या नहीं, ये देखने के लिए बॉटनी के एक प्रोफेसर ने एक डिवाइस बनाई जो दरख्तों से निकलने वाली इलेक्ट्रिक एनर्जी वेव्स को रिकॉर्ड कर सकती थी। इसको दरख्तों की आवाज नोट करने के लिए टेस्ट किया गया, जिससे पता चला कि दरख्तों के अंदर की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेव्स होती हैं वो एक म्यूजिक प्रोड्यूस करती हैं जिसे इस डिवाइस के जरिए सुना भी जा सकता है। फिर वही एक्सपेरिमेंट एक डेड प्लांट पे किया गया जिसके नतीजे में कोई आवाज नहीं आई, तो फाइनली यही पता चला कि दरख्त भी गुनगुनाते हैं। वाओ, दैट्स एन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। Fact 8, ये बहुत ही मजेदार और मोटिवेशनल फैक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। एक कमरे में बहुत सारे बलून्स को रख दिया गया और लोगों को कहा गया कि बलून्स में आप सभी का नाम है, और उस बंदे को प्राइज दिया जाएगा जो सबसे पहले बलून्स लेकर आएगा। जिससे क्या हुआ कि सभी लोग एकदम से उस कमरे में घुस गए और अपने नाम का बलून ढूंढने लगे। वो लोग बहुत देर तक अपने नाम का बलून्स ढूंढते रहे पर किसी को उनका बलून्स नहीं मिला। फिर फाइनली लोगों को कहा गया कि आप जाइए और जिसका नाम भी आपको मिले उसका नाम जोर से पुकारिए ताकि वो अपना बलून ले जाए, और ऐसे ही सब नाम बोलते रहिए बारी बारी जिसे सबको बलून मिल जाएगा। जब सभी को अपने अपने बलून्स मिल गए तो सभी बहुत खुश थे कि उन्हें इनाम मिल जाएगा। फिर इसके बाद स्पीकर ने कहा कि हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, हर कोई रश में है और अपनी अपनी हैप्पीनेस को ढूंढ रहा है। बट हैप्पीनेस लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स, गिव देम देयर हैप्पीनेस यू विल गेट योर ओन हैप्पीनेस, और यही जिंदगी का मकसद है। समझ तो गए होंगे आप। Fact 7, MRI स्कैन मतलब दिमाग का स्कैन, उससे इस बात का पता चला है कि जो लोग थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हैं उनका दिमाग 10 साल यंगर होता है उन लोगों से जो आलसी होते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, बस पड़े रहते हैं और फजूल के लेक्चर देते रहते हैं। सो इसलिए जाइए और एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि इससे आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा और आपकी हेल्प करेगा बेहतर डिसीजन करने में। खुदा का वास्ता, बिस्तर की जान छोड़ो। Fact 6, डियर फ्रेंड्स, दुनिया में 7 अजूबे हैं, उनमें से एक अजूबा मेयान पिरामिड है जो मेक्सिको में वाकया है। इस पिरामिड की खास बात यह है कि जब भी आप उसकी सीढ़ियों के पास खड़े होकर ताली बजाओ तो बिल्कुल एक चिड़िया की आवाज आती है। एक्चुअली में उस पिरामिड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब भी आप ताली बजाओ तो चिड़िया जैसी आवाज निकलेगी, क्योंकि उस ताली बजाने से पिरामिड में एक वाइब्रेशन सी होती है जिसके चलते एक यूनिक आवाज निकलती है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा उस आवाज को।
फैक्ट नंबर 5, आपने टनल्स का नाम तो सुना ही होगा, मतलब वो रास्ता जो खुफिया रास्ता होता है, जो छुपा हुआ रास्ता होता है। तो कुछ दुनिया के बहुत ही खूबसूरत, यूनिक और अमेजिंग टनल्स हैं जो नेचर ने क्रिएट किए हैं, और ये यकीनन आपके लिए भी बहुत अट्रैक्टिव टनल्स होंगे। पहले कुदरती टनल का नाम है लुका, जो कि इटली में वाकया है, और ये नेचुरल टनल है जो टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्शन का बाइस बना हुआ है। और दूसरे टनल का नाम है कैवन टनल, जो कि यूक्रेन में वाकया है, बहुत ही मशहूर जगह है जिसे बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। सच मानो लगता है कि किसी ने बड़े प्लान के साथ इन टनल्स को बनाया है जो इतने शानदार और खूबसूरत हैं। और वहाँ पे जाने वाले कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें कुछ आवाजें भी सुनाई दी हैं। अब पता नहीं आवाजें सुनाई दी हैं या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जगह वो खूबसूरत है। फैक्ट नंबर 4, आपने एक बात नोट की होगी कि जो लोग गांव में रहते हैं उनमें इमोशन ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा केयरिंग भी होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो लोग शहरों में रहते हैं। अब ये तो सबको ही पता है, नॉर्मल सी बात है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो लोग नेचर में रहते हैं और ग्रीनरी को एक्सपीरियंस करते हैं, वो लोग जिंदगी की अहमियत और पॉजिटिविटी जैसी चीजों को ध्यान में रखते हैं। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से रिलेशनशिप, गुड बिहेवियर, कम्युनिटी और केयर जैसी जो फीलिंग और वैल्यूज होती हैं, वो नेचर में रहने वाले लोगों में ज्यादा डेवलप होती हैं। इसलिए शहरों और गांव में रहने वाले लोगों में थोड़ा फर्क होता है नेचुरली। फैक्ट नंबर 3, ये बात वर्ल्ड वॉर 2 की है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि तब पूरी दुनिया में जंग छिड़ी हुई थी, और फौज जो थी वो अपने मुल्क और अपने जहाजों का दिफा करती थी ताकि उन्हें हर हाल में बचाया जा सके। खासकर नेवी, वो क्या करते थे कि अपने मेन जहाजों को बचाने के लिए एक स्मोक वॉल बना देते थे ताकि वो अपने मेन समुद्री बेड़े को अपने दुश्मनों से बचा सके। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये उस वक्त की फुटेज है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, और ये बिल्कुल एक्चुअल फुटेज है। वो लोग उस वक्त इतने एडवांस थे, तो अभी सोचो, अभी की तो बात ही मत करो। फैक्ट नंबर 2, साल था 1975 और शहर था हाइचिंग चाइना। अचानक पे वहाँ पे मौजूद कुत्ते और बाकी सब जानवर अजीबोगरीब एक्ट करने लगे, और उनके चेहरों से साफ पता चल रहा था कि कुछ होने वाला है क्योंकि वो बहुत सहमे और डरे हुए थे। और इसी सिचुएशन के ठीक थोड़ी देर बाद 7.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया और उस शहर का 90% हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया, और वहीं 90,000 लोगों ने अपनी जान बचा ली उन कुत्तों और परिंदों के स्ट्रेंज बिहेवियर के चलते। मतलब जानवरों की अजीबोगरीब हरकतें, उनसे साइंसदानों ने पता चलाया है कि ये अर्थक्वेक आने की ही निशानियां होती हैं जिन्हें वो अर्थक्वेक आने से पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग, क्योंकि जानवर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और उन चीजों को समझ लेते हैं जिसे आम इंसान नहीं समझ पाता। अगला फैक्ट बताने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू। फैक्ट नंबर 1, जिंदगी में हर इंसान का कोई ना कोई ख्वाब होता है, उसका कोई एम्बिशन होता है जिसे वो हासिल करना चाहता है, पर समटाइम क्या होता है कि वो ख्वाब इंसान किसी वजह से हासिल नहीं कर पाता और मायूस हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ग्राहम बेल ने कहा था, व्हेन वन डोर क्लोजेस अनदर ओपन्स, मतलब जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। ये तो सभी को पता है, बट इसके साथ उन्होंने क्या कहा था ये शायद कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा था कि हम लोग पुराने रास्ते पे ही इतना फोकस्ड होते हैं और उस बंद दरवाजे पे हम लोग इतना फोकस्ड होते हैं कि हमें नया रास्ता होने के बावजूद भी दिखाई नहीं देता। इसलिए आप भी अपनी जिंदगी से मायूस होना छोड़िए और आगे बढ़िए एक पुरअज़म हौसले और मकसद के साथ। इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।